এবার গরিব মানুষ স্লোগান উঠল জামুরিয়ায়। সম্প্রতি দিল্লিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য রিঙ্কু শর্মা খুন হয়েছেন। রবিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের সদস্যরা যৌথভাবে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই মিছিল থেকেই বিতর্কিত স্লোগান তোলা হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমর্থকরা রিঙ্কুর হত্যাকারীকে গুলি করার জন্য স্লোগান তোলেন। এই সমর্থকরা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও রেহাই দিলেন না, পাশাপাশি তার বিরুদ্ধেও অশালীন শব্দ ব্যবহার করেন। এই মিছিলটি জামুরিয়া 11 নম্বর কালী মন্দির থেকে জামুরিয়া থানা মোড় পর্যন্ত হয়। মিছিল শেষে প্রয়াত রিঙ্কু শর্মার স্মরণে 1 মিনিটের নীরবতা পালনও করা হয়। यहाँ पर रिंकू शर्मा जी को जो हत्या हुआ है दिल्ली में, उसका विरोध में ये जुलूस प्रदर्शन है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हाथ में चूड़ी पहन के नहीं रखा हुआ है, और हम लोग किसी का बाप का अधिकार में भी नहीं रहते हैं। अगर एक लड़का को छुआ जाएगा, वो कितना बड़ा भी कोई रहे, उसको जमीन में गाड़ने का क्षमता हम लोग बजरंग दल रखते हैं, विश्व हिंदू परिषद रखते हैं। ये चीज हर इंसान को पता चले। जय श्री राम बोलना या आरएसएस करना या विश्व हिंदू परिषद करना या बजरंग दल करना, हम लोग किसी का बाप का गुलाम नहीं है जो कौन क्या बोलेगा। हम लोग किसी का बाप का जागीर में नहीं रहते हैं। जय श्री राम बार बार बोलेंगे, और जितना आदमी को मारेगा, एक रिंकू को मारेगा 100 रिंकू निकलेगा। और केजरीवाल अभी जो चूड़ी पहन के बैठा हुआ है, अगर कल हम लोग को दिमाग घूम जाए बजरंग दल को, तो कल ये फिर नहीं बोले जो भारत में डर लगता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम सोमनाथ गोप, विश्व हिंदू परिषद का सभापति, जमुड़िया प्रखंड। देखिए, केंद्र में सरकार भी बीजेपी का है और दिल्ली में पुलिस भी बीजेपी का है, फिर भी अगर उसके ऊपर दोषारोपण हुआ है कि मतलब केस अलग था, रेस्टोरेंट में झमेला हुआ था, उसको क्या मानते हैं आप? देखिए, ये कल से बहुत अफवाह फैलाया जा रहा है रेस्टोरेंट में झमेला हुआ था, लेकिन दादा जो वीडियो आपका सामने में आया है, आप उसमें देख सकते हैं, पहले उसका घर में गैस को खोला गया है, तो वो रेस्टोरेंट का झमेला नहीं था। वो टाइम में रिंकू भैया हम लोग का घर पे ही थे। पुलिस भी तो आपकी है। पुलिस भैया हम लोग को नहीं है, पुलिस बीजेपी का बीच में से मेरा कोई बात ही नहीं है। ये बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद का मैटर है, और सबसे पहला बात है, किसी का भी पुलिस रहे या किसी का भी कुछ रहे, बजरंग दल का लड़का मिला है तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें है। पुलिस का भूमिका तो क्या मानते हैं? पुलिस का भूमिका तो पश्चिम बंगाल में भी आप देख रहे हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप कहीं पर भी रहे, पुलिस से हम एक चीज जानते हैं, पुलिस जहाँ का आंचलिक सरकार है उसी का हाथ में हमेशा चलते हैं। हम लोग को केजरीवाल का पुलिस नहीं है। देखिए, केजरीवाल का पुलिस नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी का तो, हम तो यहाँ पर केजरीवाल का दोषारोप, अगर केजरीवाल तो देखिए, केजरीवाल का पुलिस नहीं है, लेकिन केजरीवाल अगर वहाँ पर उसका क्षमता ही नहीं चलता तो बेमतलब का क्यों बैठा हुआ, मिनिस्ट्री छोड़ देवे। तो मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस किसकी है भैया? तो पुलिस जिसका भी रहे, हमको पता नहीं है। हम लोग गृह मंत्रालय का अधीन आता है। देखिए, संभाल कौन रहा है वो जगह को, दिल्ली को संभाल कौन रहा? कानून और रोजगार भी नहीं है, दिल्ली कौन संभाल रहा भैया? पुलिस का दोष मानते हैं? हाँ या ना बोलिए। पुलिस का दोष मानते हैं? पुलिस का दोष मानते हैं, लेकिन वहाँ पर केजरीवाल ही संभाल रहा है। अगर आप ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी वाली बात है, लेकिन जब सरकार केजरीवाल की है, दिल्ली दंगा हुई है, की तो केंद्र के हाथ में, जब दिल्ली दंगा हुई है भैया, तब आप दोषारोप तो किसको दीजिएगा? वो टाइम में भी तो नाकामी सिद्ध हुआ है केजरीवाल जी का। पुलिस को दोषी मानते हैं? पुलिस को दोषी तो मानते ही है। एक ही संगे रिंकुर एक छवि माला देवा है। संतोष सिंह, प्रमोद पाठक, शंख विश्वास, राजेश झा, নিরঞ্জন সিং, সভাপতি সিং সহ স্থানীয় সকল বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। জামুরিয়া থেকে হরি ঘোষের রিপোর্ট, এএনএম নিউজ। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।